हमारी कोशिश होती है कि जनता की जो आवाज है वह अपने सही रूप में आए, न कि किसी भी तरह की काट छांट हो और मिलावट। हमारी यह भी कोशिश है कि असल में पंजाब यानी 600 700 किलोमीटर दूर, हफ्ते दिन हो गए 15 दिन चल के वो आए, आखिर दिल्ली आने की उनको जरूरत क्या? क्या ड्राफ्ट में इतना बुरा है कि उससे किसानों की पूरी पीढ़ी, किसानी पूरी देश की बर्बाद हो जाएगी और वह नए किस्म के गुलाम बनेंगे? क्योंकि बार बार टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर बुराड़ी में पहुंचे किसान हो, लगातार कह रहे हैं सरकार हमको गुलाम बनाने जा रही है। इन चीजों की विस्तृत और गहरी जानकारी के लिए हमारे साथ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रोफेसर बलविंदर सिंह तिवाना, वह खेती किसानी पर लगातार शोध करते हैं, उसके अलावा वह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, यानी कृषि और आर्थिकी दोनों को मिलाकर जो अध्ययन का एक सिलसिला और परंपरा है वह बलविंदर सिंह तिवाना करते हैं। उन्होंने बताया कि वह जो आत्महत्या है किसानों की, उन चीजों पर भी उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है, कई पुस्तकें लिखी है। आइए उनसे पूछते हैं सबसे पहले और जरूरी बात जिस पर किसान आंदोलित है कि क्या वाकई किसान ड्राफ्ट, जिसको किसान कानून कहा जा रहा है बिल के बाद जो 3 है, उसमें वैसी कोई बात है क्या कि किसान नए गुलाम बन जाए? जी तिवाना साहब बताइए। हाँ जी, ये जो 3 कानून पास हुए हैं, असल में 2 कानून पास हुए हैं, 1 कानून में शोध कर दिया गया कि जो जरूरी वस्तुओं एसेंशियल कमोडिटीज का एक्ट है 1955 का, 1955 का जी, ये 3 जो कानून हैं ये एक ही बास्केट में, एक ही टोकरी में, एक ही लड़ी का हिस्सा है। इसमें से एक भी हटा दीजिए तो जो केंद्र सरकार का या कॉरपोरेट का जो मकसद है वो पूरा नहीं होता। एक भी हटा दीजिए, इसलिए 3 ही जरूरी हैं, 3 ही एक समय पे ऑर्डिनेंस बने तो, और 3 ही एक पार्लियामेंट में पास किए गए, सो इस मकसद को समझने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि ये किसानों के खिलाफ नहीं है, ये आम लोगों के खिलाफ भी है। ये शहरी जो लोग हैं, शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, और गांव देहात में जो किसानों के सिवा दूसरे लोग रहते हैं उनके भी खिलाफ है, वो मैं थोड़ा सा बता दूंगा। जी जरूर। तो पहला जो कानून है वो प्रोड्यूस के साथ है, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड प्राइस अश्योरेंस के संबंध में जो है वो पैदावार से संबंधित है। तो पहला है कि किसी भी बात में सबसे पहली बात होती है पैदावार। तो पैदावार में आपने कॉरपोरेट सेक्टर को घुसाने के लिए कि उसको आपने एंट्री दिलवानी है तो पहला कानून बना दिया कि कोई भी बंदा, कोई जो आइडेंटिटी है तो वो खेती में सीधे किसानों के साथ एग्रीमेंट कर सकती है। तो उसमें कंपनी का शब्द भी है तो कंपनी कर सकती है। तो इसलिए ये है कि वो जो कंपनी है वो क्या फसल आप अगवानी है किसान से, उसको वित्त देना है, पैसे देने हैं, उसको और सर्विसेज देनी है, मशीनरी देनी है, उसको बीज देने हैं, उसको दूसरे इनपुट देने हैं, ये उसमें पूरा प्रावधान किया गया है कि भाई वो होगा। और प्राइस कीमत के बारे में भी उसी में ही एग्रीमेंट होगा, ये उसमें लिखा गया है। तो दूसरा इसमें लिखा गया कि अगर कोई झगड़ा हो जाए तो फसल अगाएगा किसान, किसान को फसल लगाने के लिए बोला जाएगा, तो कंपनी बोलेगी कि ये फसल लगाओ हमारे लिए तो हम आपको पैसे देते हैं, आपको मशीनरी देते हैं, इनपुट देते हैं, तो अगाने के बाद उनको बेचो। तो पहले भी जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में शुरू हुई थी पेप्सी की, बहुत बुरी तरह फेल हो गई, बहुत सारे किसान बर्बाद हुए। और अब भी ये बात क्या है कि इसमें मिनिमम प्राइस क्या होगी, जो एमएसपी की बात चल रही है इसमें कोई जिक्र नहीं, तीनों कानूनों में एमएसपी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, जो किसान का सबसे बड़ा अंदेशा है। दूसरी बात, एमएसपी के कला एमएसपी नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, उसके साथ खरीद की गारंटी भी होना चाहिए, वो भी कहीं नहीं है। और इसमें क्या लिखा गया है कि जब फसल पैदा हो जाएगी तो क्वालिटी थर्ड पार्टी से चेक करवा लेंगे। तो थर्ड पार्टी ऐसा होता है कि जब तो शॉर्टेज हो किसी चीज की तो कंपनियां वो फिर पूरा सिक्योरिटी लगा के वो
जो अपनी सुरक्षाकर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनको लगा के दाना दाना उठा ले जाते हैं। लेकिन जब सरप्लस पैदा होता है तो वो दिस वे और दैट वे, एक बहाने दूसरे बहाने वो फसल नहीं उठाते ना। ये ऐसे ही होता है क्योंकि कारपोरेट तो मुनाफे पे चलता है, मुनाफा नहीं है। तो पंजाब में एक बहुत बड़ी उदाहरण है गन्ने की, ये जहाँ शुगर मिल है उनके साथ उनका एग्रीमेंट होता है, तो गन्ना जब ज्यादा पैदा हो जाता है वो खरीदते नहीं है, जब कम होता है वो यूपी बिहार से, यूपी से हरियाणा से भी ले आते हैं, और उनकी पेमेंट दो दो साल की अटकी हुई है। 80 करोड़ के करीब किसानों की पेमेंट नहीं हुई, वो भी एग्रीमेंट ही था। और उसमें तो ऐसा भी एग्रीमेंट है, 80 करोड़ बकाया है पंजाब के किसानों। हाँ, 80 करोड़ पेमेंट जो है अभी उनका पड़ा हुआ है, साल साल से ऊपर हो गया गन्ना शुगर मिल के। और वो शुगर मिल एक्ट जो है उसमें तो ये भी प्रावधान है कि अगर आपकी पेमेंट 15 दिन में ना हो तो उसमें ब्याज मिलेगा और आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकार ने नहीं दिलवाए, अब भी किसान वहीं रुले, अब नया सीजन शुरू हो गया लेकिन उनके पैसे अटके हुए। अच्छा, तो इसलिए ये चीज बताइएगा कि किसान जब हम लोग मौके पर पहुंच रहे हैं, आंदोलनों में जा रहे हैं, तो बार बार कह रहे हैं कि वह मुकदमा नहीं दर्ज कर पाए, यह मुकदमा मतलब क्या? अगर जी जी बताएं, ये जो है ना कि अगर भाई कंपनी ने आपने पैदा कर दिया तो कंपनी खरीद नहीं रही या आपको उसका कीमत नहीं दे रही, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसमें क्या है, पहले तो आप आपसी तालमेल के साथ उसको सुलझाने की कोशिश करें। अगर नहीं सुलझा तो क्या करोगे, आप एसडीएम के पास जाओगे तो एसडीएम फैसला देगा एक महीने में, तो एक महीने में वो फैसला देगा, अगर उससे एग्री नहीं करते तो आप कलेक्टर के पास चले जाइए, एक महीने में वो देगा। लेकिन आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, उसमें बंदिश है कि आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। आप बताइए कि जो 2.5 एकड़ वाला किसान है जिसकी शिक्षा भी उतनी नहीं है, जो 5 एकड़ वाला किसान है, इवन 10 एकड़ वाला किसान भी किसी एसडीएम को मिल सकता है? मिलता है एसडीएम? कभी नहीं मिलता। डीसी तो कभी मिलता नहीं, 25-25 एकड़ वाले किसान को नहीं मिलता, तो वो किसको मिलता है ना? वो तो रिच बंदे हैं जो कंपनी वाले हैं, उनके मैनेजर होंगे, उनके लायर होंगे, वो मिलेंगे। एक किसान मुकदमा कहाँ लड़ेगा? आप मतलब ये कह रहे हैं कि हाँ मुकदमा लड़ेगा, तो किसान 2.5 एकड़ वाला 5 एकड़ वाला कहाँ मुकदमा लड़ेगा? तो उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है, बहुत ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात बताएं सर कि जैसे किसान जो सरकार के समर्थक लोग हैं वो, या जो न्यूट्रल लोग हैं, जो शहरी लोग हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं ये कानून से उनका भी असर पड़ेगा, वो एक बात बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि आप जानकार हैं तो हमें बताएं कि जरूरत ही क्या पड़ी थी सरकार को ये कानून बनाने, ये इसकी जरूरत क्या थी? ये देखिए, ये बहुत सही सवाल है कि भाई किसान जथेबंदियों ने तो मांगे नहीं जी, बिल्कुल ना, तो पंजाब की किसान जथेबंदियों ने ये रिफॉर्म मांगे, कानून मांगे, ना नेशनल लेवल की जो 500 जथेबंदियां इकट्ठी हैं, पहले 250 थी, फिर 350 थी, आज की तारीख में 500 हैं, वो उस जथे किसी भी किसान जथेबंदी ने नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की किसी भी जथेबंदी ने नहीं मांगे। और जो प्रो पीपल बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो लोगों के हित में सोचते हैं, लोगों के हित में लिखते हैं, वो किसी ने नहीं कहा। तो ये आया कहाँ से, ये बहुत जरूरी है समझना कि ये आया कहाँ से। ये कॉरपोरेट से ही आया, ये कॉरपोरेट के जो प्रो कॉरपोरेट इंटेलेक्चुअल हैं उनकी लिखित पढ़ी है आप, उनकी लिखित में है ये, 5 जून से पहले भी है, उसमें तो अशोक गुलाटी वर्गे राइटर है जिन्होंने इसके हक में लिखा, या फिर कॉरपोरेट का एजेंडा है। और ये एजेंडा जो है अकेला हिंदुस्तान में नहीं है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड है। ये तो WTO के अंदर जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, जो ट्रेड का व्यापार है, उस पे है, ये तो कॉरपोरेट का मुनाफा कमाने का एजेंडा है। तो ये जो सेंटर की सरकार है, जो मोदी गवर्नमेंट है, जो पूरी तरह से कॉरपोरेट सेक्टर का एजेंडा लागू कर रही है। नहीं तो जब मीटिंग हुई थी लेटेस्ट किसानों की, जो 30 किसान जथेबंदियां पंजाब की गई थी, जहां पीयूष गोयल भी थे, तोमर साहब भी थे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं सेंटर के, तो किसानों ने पूछा था कि भी किस किसान जथेबंदी ने आपसे ये मांगा था, तो कोई जवाब नहीं था। वो आज भी कहते हैं कोई जवाब नहीं है।
तो आपने भाई भलाई के लिए किसको आपने कहा? तो किसान तो कहते हैं। और एमएसपी और अशोर्ड प्राइस अभी भी गेहूं और चावल पे है, तो सबसे ज्यादा गेहूं और चावल का जो खरीद होता है अशोर्ड प्राइस एमएसपी। जो जानकारियां आ रही हैं और पूरे पूरे उत्तर प्रदेश बिहार देश के दूसरे राज्यों का सच है कि जैसे अभी 18.60 रुपए उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 19.75 एमएसपी जो तय है। हरियाणा भले 19.75 बेच रहा होगा या खरीद रहा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान कल ही जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर, वो कह रहे हैं 800-900 रुपए बेच रहे हैं। सर एक बात हम समझना चाहेंगे कि इस देश में बहुत सारे कानूनों की जरूरत है, अधिकारों की जरूरत है। जैसे रोजगार गारंटी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसे में जिन चीजों की जरूरत है सरकार वो तो नहीं कर पा रही है। इसकी जो जरूरत आन पड़ी बिना मांगे जो ये दे रही है। एक चीज और जो कि आ रही थी कि कोरोना में मात्र जो हमारी इकोनॉमी में थोड़ा बूस्ट हुआ वो, या जो संभाले रखा या डाउन नहीं गया, वह कृषि क्षेत्र। तो चूंकि यह पेंडेमिक वक्त है और माना जा रहा है कि पेंडेमिक खत्म नहीं होना है इतनी जल्दी, यानी साल दो साल चार साल इसकी स्थितियां रहेंगी, और दूसरे उद्योग बहुत अप नहीं करने हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कारपोरेट पूंजी का जो माइनस में चीजें जा रही हैं उसको बचाने के लिए कारपोरेटाइजेशन खेती का किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए पहली बात तो ये जो पेंडेमिक है इसमें इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो सरकारी है वो तो 23.9% पहली तिमाही में घटा, अब नई फिगर आ गई कि 7.5% कम हो गया जी। और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेस्ड है, जो प्रोफेसर अरुण कुमार हैं जिनका एक एस्टीमेट आया था कि 40% तक कम हुआ पहली में, और अब भी जो है 15% से ज्यादा कमी होगा अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी करेंगे। ये तो एक बात है, लेकिन सेकंड बात, इस पेंडेमिक में चाहे वो यूएसए के कॉरपोरेट हैं चाहे वो हमारे कॉरपोरेट हैं बड़े, उनकी वेल्थ तो बड़ी है भाई, अंबानी की वेल्थ बड़ी है, अदानी की वेल्थ बड़ी है, उनका तो वेल्थ बड़ा है इन दिनों में। ये एक बड़ी विडंबना है कि इकोनॉमी नीचे जा रही है, लोगों की इनकम तो निकलती जा रही है, उनको तो मिल नहीं रहा, बेरोजगारी हो रही है, लेकिन कॉरपोरेट का जो जायदाद है वो बढ़ती जा रही है, ये समझने की जरूरत है जी। तो इसलिए ये जो एग्रीकल्चर है, आप देखिए क्यों खेती पे इतना जो जोर लग रहा है और क्यों आया जे, खेती की जो पैदावार है, जो कोई इंसान है वो मोबाइल के बिना जी सकता है, वो मोटरसाइकिल के बिना जी सकता है, कार के बिना जी सकता है, वो घर के बिना भी जी सकता है। हमारे 7 करोड़ के करीब लोग जो है फुटपाथ पे सोते हैं हिंदुस्तान में अभी भी, तो वो खाने के बिना नहीं जी सकता, उसको खाने के लिए चाहिए। तो ये पूरा कारपोरेट का खेती बाड़ी पैदावार और इसकी मार्केटिंग, उसके पूरा कब्जा करने की योजना है, और पूरा कारपोरेट का कब्जा करके इसको फिर बेचो कि जब बंदा बीमार होता है सब कुछ बिक जाए, उसके इलाज कराने के लिए वो चलते हैं, और खाने के लिए फिर कुछ भी बेचना पड़े आपको, खाने का पेट भरने के लिए चाहिए, इसलिए खेती पे पूरा कारपोरेट का कब्जा हो, और उसमें फिर मैं जो बोल रहा था फिर वो किसान नहीं लूटे जाएंगे, किसान तो लूटेंगे ही, किसान तो बर्बाद होंगे ही, जो उसका कंज्यूमर है, जो नौकरी करने वाला है, जो कोई और काम रिक्शे वाला है, किसान आंदोलन और है, टीवी पर बैठ के देख रहे हैं उन पर भी असर पड़ेगा, जो बैठ के व्हाट्सएप और पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा जी। बिल्कुल, जब आप मोनोपोली क्रिएट करोगे, इसी में कहता हूं आगे कि आपने पैदा करवा लिया, पैदा तो एक एक कानून कर दिया कि पैदा करने के बारे में, दूसरा कानून है खरीदने के बारे में, आपने पैदा कर लिया लेकिन खरीद जो है वो रेगुलेटेड है। आप जो एएमपीसी एक्ट है, बकरी बकरी स्टेट के बकरे बकरे हैं, और दूसरी बात ये भी है कि खेती बाड़ी पैदावार और जमीन ये स्टेट का अधिकार है, ये स्टेट लिस्ट में है, ये सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ ट्रेड है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है खेती बाड़ी का, और उसमें ट्रेड है, ये पैदावार में कहां घुसाए आप? ये तो फेडरलिज्म का सवाल है कि आपने उस पे भी कानून बना दिया जो आपके अधिकार क्षेत्र में, वो तो स्टेट का था, तो पैदावार का तो सीधा सीधा इंक्रोचमेंट है स्टेट के अधिकारों पे, है ना, इस लिहाज से।
तो दूसरा, अगर आप ट्रेड नहीं कर सकते, एएमपीसी एक्ट वो लगा हुआ है, तो उससे ये तो मालूम था कि कितना पैदा हुआ, कहाँ बिका, कितना बिका। इस बार जो पंजाब में एक चल रही है डिमांड कि जितना पैडी, जितना चावल पैदा हुआ उससे ज्यादा मंडियों में बिका, देखिए उससे ज्यादा बिका। वो कहाँ से आया? वो आया बिहार से, वो आया यूपी के दूसरे वेस्ट ईस्ट यूपी से, कि वहां तो एमएसपी नहीं मिल रहा है, वहां शोर खरीद नहीं है। उन्होंने ट्रकों के ट्रक पकड़े गए, किसानों ने ट्रक पकड़े जहां बाहर के, और जहां आके बेचा, क्योंकि वो मंडी में था, उसका एमएसपी मिल रहा था, शोर वो खरीद हो रही थी, इसलिए वो बिका। तो वो एक टैग है जो जो मतलब कहां किसने कितना खरीदा। तो जब आप ओपन मंडी कर देंगे, जब मंडी का एक तो वो स्टेट को फीस का घाटा है कि जहां 3600 करोड़ पंजाब में मंडी की फीस आती है, जो डेवलपमेंट के लिए बरती जाती है, यूज होती है, कि गांव में रोड बनाना है, आपने मार्केट यार्ड बनाना है, आपने शेड बनाने हैं, आपने किसानों के लिए रुकने के लिए बनाना है, वो उससे बनते हैं, वो 3% डेवलपमेंट सेस है। मंडियां जो खत्म करेंगे, जैसे मंडियों को कहा जा रहा है खत्म कर, तो क्या जो मंडियों की खरीदारी और जो अनाज सरकार खरीदती वह बीपीएल कार्ड धारकों को देती, तो क्या आपको लगता है कि अगर मंडियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी खरीद की सीमा खत्म हो जाएगी या उसकी शर्तें खत्म हो जाएंगी, तो कल को जो अनाज की देनदारियां हैं गरीबों की, वो भी सरकार एक प्रक्रिया में वापस ले लेगी, क्योंकि गोदामों में माल ही नहीं रहेगा, तो उसकी मजबूरी नहीं रहेगी? बिल्कुल लेगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये कहते हैं ना कि भाई एमएसपी रहेगी, आपने बाहर बेचना है बाहर बेच दो, मंडी में बेचना है मंडी में बेच दो। बड़ी सीधी सी बात है, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, ये एक चलन है, ये कॉर्पोरेट का काम करने का तरीका है, कि पहले वो जो आपने एमएसपी अगर दिया 1800, तो कॉर्पोरेट एक साल, दो साल, 2000 पे भी, 2100 पे भी खरीद सकते हैं। जब वो बाहर बिकेगा तो किसान मंडी में नहीं जाएगा, तो आप फिर बाद में बोलो कि भाई मंडी में तो किसान आ ही नहीं रहा, इसको बंद कर दो, है ना, ऐसे ही करेंगे जी, कि बाहर बिकवाएंगे, वहां कोई टैक्स नहीं है, तो जो व्यापारी है वो मंडी में क्यों जाएगा, वो बाहर खरीदेगा, तो किसान को शुरू में 100 रुपया ज्यादा दे के खरीद लेगा, तो किसान जो है मंडी में नहीं जाएगा, तो मंडी का कोई औचित्य नहीं रह जाता कि भाई मंडी क्यों हो, तो मंडी बर्बाद कर दोगे, बंद कर दोगे। तो जब मंडी बंद होगी, फिर आपकी मोनोपोली होगी, फिर आपके आएगा, क्यों, मंडी तो बंद होगी। ऐसा ही सरकारी स्कूलों के साथ हो रहा है, ऐसा ही सरकारी कॉलेजों के साथ हो रहा है, ऐसी बाकी के पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ ऐसे ही हो रहा है। तो इसलिए वो बर्बाद करके फिर कह दोगे ये तो सरकारी जो मंडी है ये काम नहीं कर रही, ये मंडी तंत्र नहीं चल रहा, जो सरकार का रेगुलेटेड है, इसलिए इसको अब बंद कर दो। तो फिर फिर किसान के पास कुछ भी नहीं रहेगा, फिर उसको ना एमएसपी मिलेगी, ना अशोर्ड खरीद मिलेगी। इसीलिए जो पंजाब के फार्मर हैं, जिनकी दो फसलें बिल्कुल बिकती हैं, वो इसलिए पूरे परेशान है कि अगर जे आ गया तो हम पूरे बर्बाद होंगे, हमारी ना जमीन बचेगी, ना फसल बचेगी, ना बच्चे बचेंगे। तो आप ये दूसरा चरण है कि अगर आपने खरीदारी, अब तो थी जो आप बोल रहे हैं कि एफसीआई खरीदती थी, मार्कफेड खरीदती है जी, आपकी एजेंसी खरीदती है, तो आपको जो फूड सिक्योरिटी है, पीडीएस सिस्टम चलाने के लिए चाहिए, तो उसके जरिए चलता है। उससे पहले ही आपने मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का वो लागू कर दिया कि अभी गेहूं नहीं देना, पैसे देंगे। तो आप जब वहां से गेहूं खरीदना ही बंद करेंगे, ये जो 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 कमेटी पहले बनी थी एफसीआई को बंद करने का रिकमेंडेशन जो जो दिया उस कमेटी ने, उसका जो जो शांता कुमार कमेटी है, शांता कुमार कमेटी बनी 3-4 साल पहले, 15 में उसकी रिपोर्ट आई, तो उसमें तो उसने कहा कि भाई एफसीआई को बंद कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो पीडीएस सिस्टम को तो उसी समय हो गया था, और ये जो 3 कानून है, इसको शांता कुमार कमेटी के संदर्भ में ही रख के देखना चाहिए, वो कॉर्पोरेट का एजेंडा वहां सजेस्ट किया, अब लागू हो गया। तो आप जब खरीदेंगे नहीं तो पीडीएस में किसको दाल देंगे, किसको अनाज देंगे, तो आप खरीद। और सेकेंडली,
किस प्राइस पे कौन सी चीज खरीदी गई, क्योंकि ओपन मार्केट करती, कोई जो है 1000 में खरीदे, कोई 1500 में खरीदे गेहूं। तो जो आप बता रहे थे जहां पंजाब में भी जो मक्का है 800-900 रुपए क्विंटल बिका, ये ज्वार बाजरा यूपी में जो है वो 1000-2000 कम एमएसपी के कम मिल रहा है, और जहां कपास का जो है एमएसपी के कम बिक रही है, तो आप किसकी बात कर रहे हो, कहां मतलब मिल रहा है एमएसपी? तो एमएसपी तो 6% किसानों को ही मिलता है, यही यही रिपोर्ट है, यहां तक मार्क कमेटी की रिपोर्ट यही कहती है 6% को मिलता है। तो 18 स्टेट में मिलता है, थोड़ा थोड़ा किस किस एरिए में, बाकी तो मिलता नहीं है। इसीलिए जहां जे एमएसपी नहीं मिल रहा है, जहां जे शॉर्ट प्राइस नहीं है, मात्र 6% किसानों को मिलता है सिर्फ। हाँ, ये जे आंकड़ा है शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट में है कि 6% किसानों को ही एमएसपी का बेनिफिट होता है, और आप 23 फसलों पे एमएसपी देते हो, लेकिन दो फसलों पे ही मिल रहा है, चावल और गेहूं पे ही। तो वो जो है कि पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी इसी में है, इसीलिए जे किसान ज्यादा परेशान है, क्योंकि इनको तो मिलता था, बाकी तो कहीं थोड़ी थोड़े जो एरिया है वो मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का थोड़ा एरिया है ना, राजस्थान का है, थोड़े थोड़े एरिया में किसी किसी और फसल पे मिलता है, लेकिन कुल मिला के तो 6% को मिलता है। आप वहां तो लागू नहीं कर रहे, वहां तो आप जे जो बयानबाजी हो रही है ना कि एमएसपी था, है, रहेगा, अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है, अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर साहब ये कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो ये बताइए फिर भाई क्या मसला है? आप कानून पास कर दीजिए, एक चौथा ऑर्डिनेंस, चौथा जो फोर्थ एक्ट है वो लाइए, उसमें कह दीजिए कि एमएसपी रहेगा और हम अशोर्ड प्राइस देते हैं, खरीदेंगे, अगर कंपनी नहीं खरीदेगी, इसी में अमेंडमेंट कर दीजिए कि भाई एमएसपी के नीचे कोई एग्रीमेंट नहीं होगा और एमएसपी के नीचे कोई खरीदारी नहीं होगा, ये क्रिमिनल एक्ट होगा जो मांग कर रहे हैं। अगर ये कंपनी नहीं खरीदेगी तो केंद्र और स्टेट सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान से वो खरीदेगी, ये डाल दीजिए, वो मसला खत्म हो जाता है। जो किसान कहते हैं कि एमएसपी भाई हमें लीगलाइज करो, इसको लीगल डॉक्यूमेंट में डालो, कहने से नहीं, कहा तो बहुत कुछ पहले गया, डीमोनिटाइजेशन पे कहा गया, जीएसटी पे भी कहा गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब जो किसान हैं पंजाब के वो केंद्र सरकार पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये एक फेथ का डेफिसिट है बहुत बड़ा, कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब भी बयानबाजी यही आती है कि ये तो हम वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं करेंगे, ये बता दीजिए अमेंडमेंट करोगे उसमें, अगर अमेंडमेंट भी नहीं करोगे फिर बोलते हैं कि एक बात क्या करनी चाहते हो आप। तो इसलिए ये जो मंडी का है ना कि आपने पैदा करवा लिया, पैदा करवा के मंडी में खुला कर दिया कि कहीं भी जाके कॉर्पोरेट कहीं से भी खरीद ले जी। और वो खरीद के आप देखिए, काफी विस्तार से आपने बताया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बलविंदर सिंह दीवाना, वह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, कृषि अध्ययन के भी जानकार हैं, और उन्होंने बहुत बारीकी से कुछ चीजें बताई जिनको भी पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से चल के आ रहे दिल्ली के किसानों के दर्द को समझना, उनको कम से कम बलविंदर जी की बात